दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमारे दिलों पे सदियों से राज कर रही है, जिसने हमें महान महान साइंटिस्ट दिए हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी है। क्यों ये यूनिवर्सिटी हमारे दिलों पे सदियों से राज कर रही है, तो हम आज ये जानेंगे। और हम जानेंगे कि क्यों एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो पहले हम बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप समझ सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ओहदा क्या होता है। यहाँ आपको अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, आपको हेल्प और डायरेक्शन प्रोवाइड होगा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यही सबसे बड़ी बात होती है। और हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। पहले तो इसकी इस्टैब्लिशमेंट, ये इस्टैब्लिश हुआ था 1920 में, बट इसका रियल जो स्थापना हुई थी, जो ओरिजिनली इस्टैब्लिश हुआ था, ये 1875 में बाय सर सैयद अहमद ख़ान, जिसको पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बोला जाता था, उन्होंने बनाया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में 1920 में इसका नाम रख दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए हम बोलते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश हुआ था 1920 पे, बट ये रियल इस्टैब्लिश हुआ था 1875 में। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस में, तो आप ये याद रख लीजिए। तो चलिए, ये हुई कुछ इन्फॉर्मेटिव बात। अब हम जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या क्या फ़ायदा है, क्यों ये इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैंपस की। तो इसका कैंपस इतना बड़ा है, लगभग आपको करीबन 1155 एकर्स में फैला हुआ है। तो यू कैन इमेजिन दोस्तों कि 1155 एकर्स कितना बड़ा होगा। ऑलमोस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया से भी बड़ा है इसका कैंपस अलीगढ़ का। इसमें 13 फैकल्टीज़ है, 98 डिपार्टमेंट है और 300 कोर्सेज है। सबसे पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें 300 कोर्सेज है, और करीबन आपको 2000 तक टीचर्स तो प्रोवाइड होते हैं। तो आप यू कैन इमेजिन 300 कोर्सेज, आपको कितनी ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको अपना मन पसंदीदा कोर्स चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, अपना मन पसंदीदा कोर्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ 19 हॉल्स है स्टूडेंट के ठहरने के लिए, जिसमें 13 बॉयज के लिए और 6 गर्ल्स के लिए है, विथ 80 हॉस्टल है। तो यहाँ पर हॉस्टल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको इजी हॉस्टल्स मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि आपको हॉस्टल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपको हॉस्टल्स भी आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 80 हॉस्टल्स है। और अगर आप बुक के शौकीन हैं, मतलब आप पढ़ने के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना बुक्स फिलिक हैं, तो अगर आप बुक्स फिलिक हैं तो आपको मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, यहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर 14 लाख प्लस बुक्स है, तो आप वहाँ पर ईजिली पढ़ सकते हैं। और हम बात कर ले यहाँ के इन्वायरमेंट की, तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ का। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन प्रोवाइड होगा, तो लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगी, और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर हर कल्चर के लोग हैं। ऐसा नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हर कल्चर के लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो फॉरेनर्स भी आते हैं पढ़ने के लिए। और हम इसकी रैंकिंग की बात कर ले, तो इसका NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसका यूनिवर्सिटी रैंकिंग 10 रैंक इसने गेन किया है इस बार। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसने 801 रैंक गेन किया है, मतलब होल वर्ल्ड में, आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, होल वर्ल्ड में। तो ये बात हुई रैंकिंग की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नोटेबल अलुमनाई के, यहाँ के नोटेबल अलुमनाई की, कि इस यूनिवर्सिटी ने किन किन महान लोगों को जन्म दिया है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद हामिद अंसारी भी यहीं से पढ़े हुए हैं। जावेद अख्तर, महान कवि, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, वाइस चांसलर, 16th वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और फाउंडर ऑफ JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मोनिस रजा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी ख़ास यूनिवर्सिटी की, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के दूसरी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है लोगों ने, तो कितनी अच्छी बात है ये। और यही नहीं, मैं आपको एक और शॉकिंग बात बता दूं कि नजमा मैम, नजमा अख्तर, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ये पोस्ट होल्ड किया वाइस चांसलर का, नजमा अख्तर, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। तो इतने महान महान लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो ख़ास बात होगी। तो दोस्तों, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस यूनिवर्सिटी में जल्दी से आ जाए, खूब मेहनत करें और खूब अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।